आप लोगों को आज मैं अपनी थोड़ी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे जो चाचा है ना, ठीक है, तो वो वकील है। तो हमेशा से जब मैं छोटा था ना, वो मैं खेलता था, मतलब खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है, सभी को होता है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा था क्रिकेट का हमेशा। तो हमेशा जब मैं ड्यूटी से आते थे ना, हमेशा तो हमेशा मेरे ऊपर चिल्लाते थे कि साले तू खेलता रहता है हमेशा, पढ़ाई पढ़ुई कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मतलब हमेशा मुझे बोलते रहते थे। अपने बच्चों को बाद में बोलेंगे, पहले मुझे बोलेंगे। तो मैं अपनी माँ से जाके बोलता था घर पे कि माँ मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि तू पढ़ाई नहीं करता, वो नहीं करता। तो मेरी माँ बोलती थी कि तेरे बस तेरे को बोला ही है, तेरी सर्विस नहीं किया अच्छे से, तेरे ठुकाई नहीं किया। मेरी माँ बोलती कि तेरी किस्मत अच्छी, तू आज बच गया। तो मतलब कई बार सर्विस भी हुई मेरी अच्छे से, मतलब अपने बच्चों की बाद में करते थे, मेरी पहले करते थे, ठीक है। तो अभी मेरे को पता लग रहा है कि भाई वो सर्विस उस टाइम पे ना होती हमारी, और वो जितना था वो क्यों करते थे, अपने बच्चों से ज़्यादा हम लोगों को मेरे को देखते थे, और ना वो होता उस टाइम पे तो आज हम इधर नहीं होता मैं, सही है ना। तो अभी मेरे को पता लगता है, अभी मेरी माँ मेरे को बोलते हैं कि अब बता तुम्हारे चाचा क्यों बोलते तुमको। तो अभी पता लगता है कि उस टाइम पे अगर जो हमारे ऊपर ना चिल्लाते, ना हमारी पिटाई करते, ना कुछ करते, मतलब मैं वो चीज़ हमेशा सोचता था उस टाइम पे, मैं मेरे दिमाग में कि मेरे को क्यों बोलते हैं, सब खेलते हैं, उनके बच्चे भी खेलते हैं, लेकिन बोलेंगे मुझे। तो आज भी मैं उनसे बात करता हूँ ना कभी, मतलब डर तो मुझे आज भी लगता है, लेकिन एक उनके दिल में भी हमेशा होता है कि चलो भाई हमारा बच्चा कमाने लगा। तो मतलब एक अपने आप में मेरी भी छाती सी ऐसा होता है कि चलो मेरी वजह से उनका थोड़ा सा, एक बोलते हैं ना, थोड़ा सा कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो एक अंदर से आता है। तो आज मैं अभी ड्यूटी जाने वाला, 4 बजे हुआ मॉर्निंग का, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों तक शेयर कर ये बातें।